दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने फेसबुक के मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, या तो फिर अपने फेसबुक अकाउंट के मोबाइल नंबर को आप अपडेट करके नया मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब फेसबुक अकाउंट न्यू क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस समय कोई भी मोबाइल नंबर डालकर हम लोग फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, और बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमें अब अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, या तो फिर जो मोबाइल नंबर पहले से फेसबुक अकाउंट में हम लोगों ने इंटर किया रहता है उससे अपडेट करके दूसरा मोबाइल नंबर वहां पर ऐड करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे अपने फेसबुक अकाउंट के मोबाइल नंबर को चेंज करके नया मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है बादल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिफोर ट्रिक्स। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए साथ में सीखते हैं। तो गाइस, आपको अपने फेसबुक अकाउंट के मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ कॉर्नर में एक थ्री डॉट का आइकन दिख रहा होगा या थ्री लाइन का, आपको सिंपली इस थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, तो आपको सिंपली सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगेन आपके सामने में एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा सेटिंग का, तो आपको सिंपली सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट में ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो आपको सिंपली इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कॉन्टैक्ट इन्फो का, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे फेसबुक अकाउंट में अभी मेरा एक मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड है, जो मैंने अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते समय ही ऐड किया था। तो आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर अगर चेंज करना है या तो फिर दूसरा मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ऐड मोबाइल नंबर का, तो आपको सिंपली इस ऐड मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप अपना न्यू मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, जो आप मोबाइल नंबर अभी प्रेजेंट में फेसबुक पर ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ, जो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो गाइज, मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड कर लिया, जो मैं अपना फेसबुक पर नया मोबाइल नंबर ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कंटिन्यू का, तो आपको सिंपली इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है। अब आप जो मोबाइल नंबर इंटर किए होंगे उस पर ये के OTP सेंड करेगा फेसबुक वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको सिंपली उस OTP को यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो चलिए, मेरे फ़ोन में मेरा OTP आ गया है, मैं यहाँ पर इंटर करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस, मैंने अपना OTP यहाँ पर इंटर कर लिया। OTP इंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। अगर आपके फ़ोन में OTP नहीं आता है तो आपको यहाँ पर सेंड कोड अगेन का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे में, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके अगेन OTP सेंड कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में OTP आ जाता है तो आपको सिंपली यहाँ पर OTP इंटर करके कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरे फेसबुक अकाउंट पर अब दो मोबाइल नंबर ऐड हो चुका है। तो चलिए, मैं जो पहले से था उसे डिलीट करूंगा। तो उस मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक कर लेना है। उस मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिमूव का, तो आपको सिंपली इस रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ सेकेंड्स के लिए वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा रिमूव नंबर का, तो आपको सिंपली इस रिमूव नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगेन ये आपके फेसबुक का पासवर्ड आपको यहाँ मांगेगा कन्फर्म करने के लिए, तो आपको सिंपली अपने फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर लेना है। चलिए, मैं अपने फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पर इंटर करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो गाइस, मैंने अपने फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर लिया है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा रिमूव फोन का, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ सेकेंड्स के लिए वेट करना है। तो गाइस, रिमूव फोन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे फेसबुक में उस मोबाइल नंबर को फेसबुक रिमूव कर दिया, और जो मैंने अभी इंटर किया वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है। बैक आके उसके बाद अगेन आपको सिंपली यहाँ से इसे रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश करके गाइस अगेन आपको देखने के लिए कि मेरा मोबाइल नंबर वहाँ से डिलीट हुआ या नहीं हुआ और दूसरा मोबाइल नंबर वहाँ पर ऐड हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए अगेन आपको सिंपली कॉन्टैक्ट इन्फो के ऑप्शन पर चले जाना। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा नया मोबाइल नंबर सिंपली आसानी से ऐड हो चुका है। तो गाइस, ये थी अपने फेसबुक अकाउंट के मोबाइल नंबर को चेंज करने
करने का एक सिंपल प्रोसेस आ गया। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूरी कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के वीडियोज़ को अपने चैनल पर आपके लिए लाता रहता हूँ।